संजय राव जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी देश में हर दिन नहीं, हर घंटे लड़कियों का शोषण किया जा रहा है। उनकी बॉडी उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, खुद के पति उनके कान नाक मुंह कान जबड़े तोड़ रहे हैं। और मानसिकता आपने जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, और वो इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी। संजय जी, आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को माफ नहीं करेगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा? जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं सकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं। तो इस प्रशासन के चलते हुए मैं उनकी निंदा करती हूँ। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ। आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ आपके लोग, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।